बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम परवरदिगार दी रहमत बरकतां दे नेमतां दे नाल अज दी वीडियो दा आगाज़ करने आ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खरीयत से हो और मैं भी अल्लाह ताला के फजल करा से बिल्कुल खरीयत से हूँ। तो मैं तो बार भैया आया खुद फेरी गंढे लवन जाऊँ खत्म हो पे तो जा रहे जिंदरा की सौदा लवन तो जिस घर आया फिर मिलसा आए इंशाल्लाह। मैं जनाब दुकान का सौदा सी थोड़ा जो लैंड चला तो दोपी भी काफ़ी हो गई तो जुमातुल मुबारक का दिन भी है तो जल्दी जल्दी जाना भी पैना क्योंकि अज दुकाना जी है ना तकरीबन 12 बजे ऑफ हो जाए ने उस तो बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे खुल दिया ने इस वजह पहले कि उस तो पहले पहले फिर सौदा भी लैके आना तो आप भी जुमा पढ़ना तो हूँ चलने हैं। सौदा लैके मैं वापस आ गया सी तो हूँ जुमे का टाइम फौरन फौरन जुमे से आना पे इस वजह मैं हूँ जुमे से पहुँच गया वहाँ मस्जिद पता है कि खिताब जोड़ा है वो शुरू होया है मैं हूँ जोड़ा है ना शुरू करके तो फिर अंदर जुमा पढ़ना है और जुमे तो बाद फिर घर पहुँचा। जुम्मा पढ़ के ना फर्क होए फिलहाल जो मोटरसाइकिल तैयार खड़ोता है हम घर पहुंचने हैं चल पे रास्ता यार हमने उन्हें ना जुम्मा पढ़ के ते वापस घर आए हैं ते एक अगे फौतगी का जड़ा ना इतलाह मिल गई है मेरा मामूजाद भाई जड़ा ना वो फौत हो गया ते वो तकरीबन ये नाल दा पिंड ही है तकरीबन 3 किलोमीटर सफर थे ते हुण उधर जाते पे हैं और उत्थे जा के पता लगेगा कि जनाजा किन्ने बजे है ते फिर वो जनाजा बड़ी अफसोसनाक खबर है जी अल्लाह हर किसी तरह रहम फरमाए। असी हुण जनाब निकलते पे हैं उधर फौतगी अल्ले जाण वास्ते ते यह तो दुआ नहीं मंग सकते कि अल्लाह ताला इस तरह का दिन किसी ना भी खावे लेकिन यह जरूर दुआ मंग सकते हैं कि अल्लाह ताला जवान मौत का सानिया जड़ा है ना वो किसी ना भी खावे जवान पुत्र सी वो फौत हो गया उन्होंने अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस से चाला तो आला मुकाम अता फरमाए तो हम उधर चलने हैं जाके जनाजे का टाइम फिर होएगा तो वह भी फिर थोड़े शेयर करांगे कि किन्ने बजे जनाजा असीं पढ़दे थे मैं थोड़े भैन भरावान शेयर करना सी मैं थोड़ा दसना सी क्योंकि मैं फिर उस तो बाद मैं वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि जनाजा का जड़ा है ना वो टाइम मगरब की नमाज तो फौरन बाद है तो उस टाइम तिकर अंधेरा हो जाता है तो फिर जड़ा ना थोड़े नाल वीडियो जी है ना वो बनाना फिर इंपोसिबल जी हो जाती मैं आख्या कि मैं अपने भैन भरावान आगाह कर देव कि फिर वो ये ना समझन कि यार वीडियो जी है ना वो नामुकम्मल जी रही है तो इस वजह तो और दूसरे नंबर पर इस टाइम उत्थे वीडियो बनाना किसी भी एंगल तो वो बिल्कुल मैनू नामुनासिब जो लगता है क्योंकि हर तरफ बड़ा अफसरुदा जहा माहौल बहुत ही अफसरुदा माहौल तो अफसोसनाक मतलब सानिया भी बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है क्योंकि जवान मौत है तो किसी भी घर जवान मौत जी है ना वो अल्लाह ताला ना किसी ने विखावे यही दुआ करनी चाहिए। जाना तो हर बंदे ने ही इस दुनिया तो जाना ही जाना है लेकिन अगर वो अपने किसी रूटीन या एक हिसाब नाल जाता है ना तो फिर उदा इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता लेकिन अगर एक जवान जड़ा है ना मौत हो जाए एक जवान बंदा जड़ा है ना वो नौजवान की मौत हो जाए तो उदा बहुत ज़्यादा फर्क होता है क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदा काफ़ी सारे जड़े ना वो बंद चाह होंगे ने वो पूरे करने होंगे ने तो यदी वजह तो फिर वो बहुत ज़्यादा जड़ा ना वो अफसोस रहा है तो इस वजह तो फिर वो वीडियो जी है ना वो मैं नामुकम्मल जी बनती सी क्योंकि जनाजा टाइम जनाजा हो सकता है मगरब की नमाज पढ़न तो बाद काफ़ी अंधेरा हो जाता है क्योंकि मगरब की अजाना टाइम तो रोशनी होंगी है लेकिन नमाज जो तीकर अदा होंगी है उस तो बाद जी है ना फिर वो काफ़ी सारा अंधेरा हो जाता है तो इस तू पहले कि फिर वो मैं थोड़ा विखा ना सकन मैं क्या मैं थोड़ा अपने भैन भरावान जोड़ा ना मैं आगाह कर देव तो अज का विलोक जोड़ा है ना वो असी इतें ख़त्म करने हैं दुआवां याद रखना है अपना बहुत सारा ख्याल रखना है पंडा बन बन प्यार।
अल्लाह हाफिज़।